हाय गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल बाय यूनिवर्स। और फिलहाल S23 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है, इसलिए आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या S23 अल्ट्रा छोड़ के S22 अल्ट्रा लेना 2023 में वर्थ इट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले S22 अल्ट्रा आज भी अनडिस्प्यूटेड किंग है। जब फोटोग्राफी के लिए आता है, परफॉर्मेंस वाइज आता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको बिना सोचे समझे क्या ले लेना चाहिए S22 अल्ट्रा इस 2023 में, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले तो नो डाउट S22 अल्ट्रा का वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। 2023 में भी ये बेस्ट रहेगा, ऑल द बेस्ट पूरा तो नहीं रहेगा, ओवरऑल बेस्ट, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो कलर है पूरा रिच कलर है। 120 हर्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आता है और हमेशा कहीं ना कहीं 1000 निट से ज़्यादा ही रहता है इसका ब्राइटनेस। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप डिस्प्ले के मामले में आप 2023 में बहुत ही खुश रहोगे इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग का पैनल है और ऑब्वियसली ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा S23 अल्ट्रा के डिस्प्ले में। फिलहाल LTPO डिस्प्ले है तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट में आएगा, कर्व्स भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर प्रीमियम फील देता है आपको ये डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में तो इसको अभी भी हम लोग A रेटिंग ही देंगे 2023 में। नेक्स्ट बात आता है कैमरा को लेके। जब कैमरा को लेके आता है ना बात, तो सब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सैमसंग का कैमरा हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, और ऑब्वियसली सैमसंग का कैमरा हमेशा अच्छा परफॉर्म करता ही है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, साथ में 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो रिकॉर्डिंग 8K तक सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा जो है 40 मेगापिक्सल का है, वो भी 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो कैमरे के मामले में तो ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर का एप्पल फ्लैगशिप को भी बीट कर रहा था इसका टेलीफोटो लेंस। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कैमरे के हिसाब से कितना अच्छा परफॉर्म करता है ये गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको ऑब्वियसली S22 अल्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा बच जाता है। डे टाइम फोटोज प्राइमरी लेंस में बहुत ही अच्छा है, 10x जूम लेंस बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। तो कंसिस्टेंसी जो है, जो चार लेंसेज के बीच जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ही ज़्यादा खास है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। नाइट मोड तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हुआ है S21 अल्ट्रा से। और फोटोज़ के मामले में अगर एक वर्डिक्ट दे तो 14 प्रो मैक्स से बेटर है S22 अल्ट्रा अभी भी। पोर्ट्रेट फोटोज़ का भी कोई बात नहीं है, मतलब लाजवाब आते हैं पोर्ट्रेट फोटोज़। 100x जूम अभी भी आता है, लेकिन बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड लो लाइट में थोड़ा कम ही ये परफॉर्म करता है। डे टाइम विथ प्रॉपर लाइट बहुत ही अच्छे से ये करता है। रही बात सेल्फी के कैमरा के, तो सेल्फी कैमरा और सेल्फी में पोर्ट्रेट लेना भी बहुत अच्छा है। अब सेल्फी कैमरा के साइड से बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब बात आती है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस अगर देखें तो सबसे पहले तो बैटरी लाइफ हमें सोचना चाहिए, क्योंकि 5000mAh की बहुत बड़ी बैटरी आती है। गेमिंग वेमिंग सब अच्छे से होता है, लेकिन हीटिंग इशू अभी भी है। सैमसंग ये प्रॉपरली गेमिंग के लिए नहीं बनाए, इसमें हीटिंग इशू होता है। 45 वॉट्स का चार्जिंग भी मिलता है, 25 का जो ट्रेडिशनल चार्जिंग 25 वॉट्स का जो आता है वो ही सब लोग यूज़ करते हैं। वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लैगशिप डिवाइस है। और बैटरी मैनेजर आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, आपको पता चलेगा कैसे यूज़ हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज में क्वाड HD प्लस के साथ अगर यूज़ करो तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को लेके, तो परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐप ओपनिंग क्लोज सब है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वन UI का नया अपडेट में एंड्रॉयड 16 तक आपको फ्लैगशिप का जो सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट मिलता है वो भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप ये लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 2-3 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है। 5G है, LTE है, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 के साथ आता है, Bluetooth 5.2। और रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली बहुत ये है, क्योंकि प्रोसेसर इसमें 8 Gen 1 आता है, तो 8 Gen 1 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है ऑब्वियसली, लेकिन हीट करता है जब आप ज़्यादा हैवी टास्क करते हो या गेमिंग खेलते हो। तो डायमेंशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्ले हो गया, डिज़ाइन हो गया, बहुत ही ज़्यादा लुक्स में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है फ़ोन, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और तो S Pen के बारे में बात ही नहीं किया, क्योंकि S
S22 अल्ट्रा का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट है S-Pen. S-Pen से ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो होती है वो नोट जैसे यूज कर सकते हो आप फोन को. और ये S-Pen जो है बहुत लोग यूज करते हैं. स्टार्टिंग लोगों को लगता है कि S-Pen का कोई यूज नहीं है, लेकिन जब आप शुरू करते हो यूज करना तो S-Pen कहीं ना कहीं आपका डेली ड्राइवर का पार्ट हो जाता है. और S-Pen का जो यूटिलिटी है, मतलब पिक्चर्स क्लिक करना, दूर से पिक्चर्स क्लिक करना और उसको प्रेजेंटेशन में यूज करना, उसको प्रॉपरली यूज करना, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल बन जाता है. और आप S-Pen अगर एक बार शुरू किए यूज करना तो आप भी यूज करने लग जाओगे जैसे भी. तो फाइनल कंक्लूजन में अगर हम देखें तो S23 जो अल्ट्रा लॉन्च हुआ है ऑलमोस्ट 20,000 के ऊपर लॉन्च हुआ है, और 1,20,000 के ऊपर लॉन्च हुआ है, कि जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है. तो सब लोगों का बजट नहीं होता है 1,00,000 स्पेंड कर पाए फोन पे. तो अगर आप S22 अल्ट्रा लेना चाहते हो इस रेट में 60 to 65 या फिर 70 to 80,000 के रेंज में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको रेफर कर दूंगा अच्छे खासे रीसेलर, आप उनसे ले सकते हो और अपना हैवी जो हार्ड एंड मनी है वो आप अच्छे से पैसा बचा सकते हो. S22 अल्ट्रा भी एक अच्छा फोन होने वाला है 2023 में. सो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही. कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट करो. अगर आपको S22 अल्ट्रा अच्छे डील में चाहिए तो प्लीज कमेंट करो मुझे, मैं आपको अच्छे से लिंक्स और अच्छा खासा पार्टनर्स प्रोवाइड कर दूंगा. और फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही. अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.